स्थान, पंचम पाद छेवे छेवे पातशाह का नवाली स्थान है। गुरु क्यों दे इत्थे कुलखेत नहावना आया गुरु साहब, तुसी गुरबाणी च तां पढ़दे हो कुलखेतर कौन नहाउण आया, गुरु साहिब आप आएगा जी के बोलो साहब। अज तोड़न वाले सानू बहुत ने पर जोड़न वाला नहीं कोई, कुलखेत कौन नहाउण आया। गुरु राजे ने तप कितना किया, ब्रह्मा ते बोलदे सी और मारकंडे ऋषि दा शाहपुर छड़ के ही आए हो ये धरती। फिर तीसरे सतवें पातशाह नौवें पातशाह वह जिथे सर्वधर्म पीठ बनी अपनी बारना पिंड, वो रस्ता कितना तारिया गुरु तेग बहादुर। इत्थे भी पिछला दसवें पातशाह का फिर इधरले किनारे ते सरोवर दे दसवें पातशाह भंगाणी का युद्ध समाप्त करके कपाल मोचन शास्त्रां का मोचन किया गया सरोपों दे के दसम पातशाह। फिर कुरुक्षेत्र आए, इस तों बाद सौ साखी विच है जिथे बाबा पूरनदास गुरदेव जी ने अवतार धारिया, वो बिसर जाना कदे उत्ते हाँ, तो दशमेश जी ने इत्थे एक तीर चलाया को किस ना, चलो कोई नहीं मालवा इतिहास दे एक ने तर्क मारी तो उधर है इतने नेड़े ही थोड़ा ही फर्क महाराज इतों गए ने उत्थे बाबा जी दे बुजुर्ग मैं दस अच्छा आवल खेड़ा आवल खेड़ी तो दे आवल खेड़ा संत बाबा जी का इतो पिछा है जिमें मेरे बुजुर्ग बंगा छड़ के सिउड़ा साहब गए तमोट गए सिउड़ा साहब गए इस तरह आवल खेड़ा। इत्थे ऐसे स्थान ते नाथां दा डेरा है अनाल है महाराज उन्हों साधु की कहते एक ब्राह्मण भी विच सी एक नाथ सी नाथां ने कहते शास्त्र चुके ने हरेके तीर कमान पा के अर्जन बन जाता है जे गुण ने तो देखी शास्त्र विद्या। महाराज ने कहते लो देव जी चिला चाड़िया तीर खिचिया आम पहले मुगल शाहिया वेले का भी नाथां का डेर है मारिया तीर बिची बिन्न के लंघ गया। कहते ये तो अर्जन वाली विद्या है कृष्ण भगवान वाली विद्या है, मैं सोचते सी ये राम है कि कृष्ण भगवान है, ये दशमेश पिता सन गज के बोले। अच्छा आवल खेड़ा आवल खेड़ी ये बहुत आपन सुनाया जा रहे ने बिहीर नाल जथा कपाल मोचन भंगाणी का युद्ध समाप्त। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़िया वो विचार लियो सुन लियो, ये नहीं कि मैं कह लकीर फेर दिया थानू पता ही नहीं है, ये नहीं पता हूँ सारी संगत में फुट लाइन नहीं खिंचनी कि थोड़े चो जानता ही नहीं कोई, सब ज्ञानी पुरश हो। मगर स्नेहा मैं देना जरूर आप स्नेहा देवगी रामदायक हूँ गीता पढ़नी छड़ दीजिए क्यों कृष्ण भगवान ने उचारी है असं तो राह चलना गुरु ग्रंथ साहब भी गुरुआ ने पढ़िया मुड़ के छड़े देिए तो रामायण है जे भगवान ने तो तुलसी जी ने भी श्री महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है तो छड़े देिए तो फिर तो गए आए जमा ही जमा अपने बजुर्गों की लाइन गुरुआ की लाइन नहीं छड़नी है। नितनेम करो आवल खेड़ा। एक माता ने सी ओ ब्राह्मणी उन्हें क्या कैसे शब्द ये राम आ रहा है कि शाम आ रहा है, ये गोविंद है गोपाल है, राह घेर लिया दसवें पातशाह सिंह नाम ने। मैं दसम नाल मिलाना कथा ऐ ना कह दियो असी केड़े तीर्थ हाँ, यह जहाँ तीर्थ एशिया च कितने मिलने गज के बोलो। अच्छा हे राम हे शाम
हे कृष्ण भगवान, आप गोविंद हुक्म करो की सकोगे। दशमेश जी ने तीर का निशाना जारा के, माता जी जो हाजिर है ओदा दुध की ददौड़ी चुक लिया है, भांड्या च पा पा छकाता, प्रसन्न करता सारा जथा दशमेश जी के साथी। माता तैनू वर दिने, गज के बोलो, एक वर दिने तो दो जामे और माइया दे पलट के तीसरा चौथा जामा आ जाना है। इणजवी साखी है सौ साखी बिचो, प्राची नकलों की गल नहीं, अणजवी है सौ साखी बिचो। जा तेरे घर एक सिद्ध पुरख आवेगा, उदय सिंह दया सिंह सी जिमें जथेदार, उन्हें सवाल किया गुरु गोबिंद सिंह नूं। उदय सिंह ने, उदय सिंह की करनी पाल जिथे बर दिता है, क्या करनी पाल नाम मस्तक ते, क्या महाराज किनू भेजोगे? यमन जती नूं, यमन जती किनू भेजोगे? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नेत्रां दियां पलकां सुट लिया। भाई उदय सिंह हे प्रकाश कीता नेत्र, हरन परन जाका नेत्र होर। भाई उदय सिंह साडा साहबजादा फतेह सिंह आवे, ओ यमन जती होवेगा, जिहदे नाम लिया जमां दा नाश हो जाए। ओ सन बाबा पूरन दास जी जिन्हां दे जिउंदियां दियां सुखां फिर पंजावीं साखी च कि महाराज मेरा भी दस दिओ, मैं किवें, मेरा की हाल हो। पंजावीं साखी मैं चौधरी जगीर सिंह सराणे वाले नूं, एक फारसी दे शब्द ने, उदय सिंह की करनी पाल, पंज सरदारियां छेवां आ दिल्ली दा तख्त भी नाल, गुजर दै गुजर दै दस चश्मे, गुजरां दे घर विच जिस दे दस नेत्र होणगे, दस दिशा तक होणगे, ओ आऊ उदय सिंह की करनी पाल। तुसी तोड़ लियो एक तपाल कर लियो, उहदे मस्तक ते भाग होवेगा। ये बाबा ईशर सिंह जी भी वचन करते होंगे, पाल कलेर बीबा साहब ने सुने, उदय सिंह की करनी पाल। जां पंज सरदारियां दे के बाद छेवां दिल्ली का तख्त भी, ना साढ़े नाल दिल्ली का तख्त भी नाल ही है, तो बाहर तो नहीं। ओ उदय सिंह का पंजावीं साखी का अज मैं खुले ही बोल गया, गीता का ही ज्ञान कहदा अज तो ऐ प्रकाश कर दिता। हाँ गुजर दह दश किहदे घर आवेगा, ओह सब कुछ लिख है। मैं उहदे च फारसी का शब्द है, वह फारसी के शब्द का अर्थ विद्वाना तो बेशक करा लियो। लॉर्ड साहब कोई शंका वाली गल नहीं, मैं तुहानू भी लिखा देऊंगा, तुसी मुतालिया करायो उसका, फिर लिख लियो, दोबारे लिख लियो, तीजी दफा लिख लियो, लै लो जी तो लाहे ले जाते ने, नहीं तो हाथ मलदे ही रह जाइए। चल होगा ना श्लोक प्यार ना पढ़ो, श्लोक पावन गुरु पाणी पिता
दान प्यार नाल थोड़ा थोड़ा फिर भंडारा तो खुले ही चलता है। मैं इन्ना कुछ कह के मेरे तो किसी का दिल दुखाया गया होवे तो खिमा करना आ नहीं। मैं संगत का आसरा सेवा जिन्नी भी सहारन माजरे तो लेके कूली कलां बेर और मस्तुआना साहब का सारा इलाका आज जथेदार भोला सिंह जिमें दस नू कहीए भी आउंदे ने, भी नू कहीए चाली आउंदे ने, विचाले ना उठो, उठोंगे थोड़ी मर्जी है, लंघ जाओ फिर मैं इधरले पासे नू लंघ जाना है। पर आप जनरल सकत्तर प्रिंसीपल ज्ञानी बाबू सिंह जी समा देखो लिस्ट है ज्ञानी भजन सिंह नाल मैं पंज प्यारे सुरूप पटवारी साहब इधर आ जाओ। जथेदार साढ़े बलवीर सिंह बैरोंपुर भागो माजरा चंडीगढ़ ये पंज परवाणा च आ जान ते इस दे नाल नाल मैं बेनती करा तक्का ना करो तुसी देखो सरपंच सरदार सरजीत सिंह कुटाला ते प्रिंसीपल ज्ञानी बाबू सिंह जी नाल और मैं साढ़े नाल साथ पंजे बबली जी पांजे किते गए तो प्यार नाल इधर आ। मैं बीबा साहब का तो इतना धन्यवाद करदा जो बीबिया का जथा धक्का ना करो भंडारा भी वरतू वरतद चलता है 4 बजे का चलता है 9-10 बजे तो पक्का भंडारा। हरमिंदर सिंह उर्फ बबली मंडी गोबिंदगढ़ और होर संगतां ने बहुत हिस्से पाए ने